हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अपने चैनल ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी 100 प्लस से के करीब जो है अपनी कुकिंग स्किल की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। हमारे छोटे भाई बहन यंगस्टर जो भी हैं, कोरोना टाइम में जब बाहर सर्वाइव कर रहे थे और जिनको कुछ नहीं आता था बनाना, तो ऐसे में कोई ऐसा चैनल हो जो हमारी हेल्प करे तो वो कितना हेल्पफुल होता है। तो आइए, कुकिंग स्किल की वीडियो के साथ साथ मैं आपके साथ जो मुझे हेयर स्टाइल करना बहुत अच्छे लगते हैं, ऑलरेडी मेरे और मेरी बेटियों के बाल जो हैं उनकी लेंथ काफ़ी अच्छी हैं। तो देखिए, आपसे बात करते करते एक हेयर स्टाइल जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हाफ सेक्शन लेकर एक चोटी बना लीजिए और लेफ्ट साइड में एक बालों की थोड़ी सी कली लीजिए और एक साइड में राइट, और टक करके इस तरीके से आप एक बन बना सकते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में आज दो तीन जो है हेयर स्टाइल, इसी तरीके से बन हेयर स्टाइल में आपको बहुत सिंपल, ज़्यादा कंघे की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा आपको किसी हेयर सेटर की, स्प्रे की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कोई जेल नहीं लगाना। और देखिए कितने इजी तरीके से जो है हम इस तरीके से कोई भी एक बन बना सकते हैं। आप इंडियन, वेस्टर्न, किसी भी तरीके से आप हेयर एसेसरी के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। आपके साथ मैं एक सेकेंड और शेयर करने जा रही हूँ। इस तरीके से रेडीमेड बन आते हैं। आप एक पोनी टेल कर लीजिए, इसको सिक्योर कीजिए, यू शेप या जुड़ा पिन जो आती है ना उस तरीके से, और इस तरीके से बालों का सेक्शन करके, और कोई भी रबर बैंड बांध लीजिए। मेरे पास जो छोटे बच्चों के ये कलरफुल होते हैं ना, वो वाले हैं। और यहाँ पर बालों को ऊपर से नीचे लाकर दो सेक्शन बना लीजिए। आप चाहें तो इस तरीके से रोल रोल कर सकते हैं, या यहाँ पर भी आप जो है दो चोटियाँ बनाकर एक साइड से लेफ्ट, हमेशा अपोजिट साइड से लेंगे तो आपका जो बन होता है ना वो बहुत अच्छे से बनता है। यानी जो राइट साइड वाले सेक्शन है बालों का, वो लेफ्ट साइड लीजिए टर्न करके, और जो राइट साइड वाले थे और लेफ्ट साइड वाले थे वो राइट साइड को लीजिए इस तरीके से। और देखिए, ये जो जब बनने के बाद जब फाइनल लुक आता है ना, हमें लगता है पता नहीं कितना टफ होता है। जिन लोगों को नहीं आते हेयर स्टाइल, तो वेकेशन चल रही हैं, तो बिगनर्स बच्चों के लिए मैंने सोचा आपके साथ बहुत अलग अलग तरीके की, जितनी मुझसे हो सकती हैं कुकिंग के अलावा, मैं बाकी जो मेरी हॉबीज़ हैं, चाहे वो ऑलरेडी मैं आपके साथ शिवरात्रि के टाइम जो है शिव बाबा का जो हैंड अवतार था, वो मेकअप स्किल आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। और देखिए, इस तरीके से आप हेयर पिन जो है, इस तरीके से आपका कोई भी और तरीके के कोई एसेसरी है, ये नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से अगेन मैंने पोनी स्टाइल की, और पोनी मतलब करके, और बालों के छोटे छोटे सेक्शन लेके इस तरीके से दो फिंगर में आप टर्न कर लीजिए। यहाँ पे है ना, मैंने अपनी जो रिंग्स थी वो हटा दी थी, वो बार बार बालों में अटक रही थी। और देखिए, इस तरीके से आपने दो उंगलियों की हेल्प लेनी है। फिर से कोई एक्स्ट्रा कॉम्बिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये जितने मैसी होंगे ना ये उतने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए, इस तरीके से फिर से मैं आपको टर्न करके बता रही हूँ, और जो है पिन से दोनों साइड में अपोजिट करके इसको जो है आप सिक्योर कर सकते हैं। आप ये जो फ्लावर की कलियाँ बन रही हैं ना, ये आप 5, 6, 7 जितने आपके बाल होंगे तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये बचे हुए बाल को है ना, फिर से एक लास्ट वाला मैंने जो है ये 5 सेक्शन में लिए थे लास्ट तरीके से। देखिए, इस तरीके से जो बॉबी पिन होती है ना, आप उसको अंदर की तरफ को सिक्योर कर दीजिए। अब जो हमारी ये कलियाँ हैं, इनको दोनों हेल्प से आप इस तरीके से फैला कर ना आप बड़ा सा जो है अपना जूड़ा बना सकते हैं। और फिर से यू पिन जो होती हैं उनकी हेल्प से, जो ये जॉइंट होते हैं ना, थोड़े हल्के हल्के खुले होते हैं, इनको आप सिक्योर कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप अपनी जो भी आपकी ड्रेस के साथ की एसेसरी है आप उसको लगा सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे मैंने जो है गोल्डन फ्लावर 1/11 भी मैं आपको इसी हेयर स्टाइल के ऊपर लगा के दिखाती हूँ। तो यानी जो प्री ब्राइडल शूट होती है ना, जैसे इंगेजमेंट हो गए, आपकी मेहंदी है, हल्दी है, आप उसमें ये मैं जो है ना बन के साथ बहुत अच्छा देखिए। और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया, कुछ भी हमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर मैं आपको एक और बिल्कुल सिंपल सा ये हैक बहुत चला था ना, चूड़ी हैक, जिसमें हाफ रबड़ डालकर इस तरीके से सेक्शन को, बालों को
पहले ऊपर और फिर नीचे से लेकर, और देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई क्लचर नहीं, कोई रबड़ नहीं, और हमारा जो है हेयर स्टाइल बनकर तैयार हो जाता है। यहीं पर एक जो हम जलेबी जूड़ा नॉर्मल हम घर में बनाते हैं उस तरीके से आप बनाकर ऊपर वाले बालों को, सेक्शन को हल्का सा नीचे फैला लीजिए, और कोई भी देखिए पिन या फिर से कोई एसेसरी अपनी ड्रेस के साथ है आप वो लगाइए। देखिए कितना मिनटों में आपका हेयर स्टाइल बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी ये हेयर स्टाइल की वीडियो भी पसंद आई हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके साथ मैं अपनी बहुत सारी हॉबीज़ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।